जदि आप मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, अगर मोबाइल की डिस्प्ले अगर जो पत्ता है वो अगर कट जाता है तो कैसे रिपेयर किया जाए, इसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें फुल डिटेल्स से बताया गया है। वीडियो को कटिए मत, देखिए आपके जरूर हेल्प आएगा। देखिए इधर जो डिस्प्ले दिखा रहा है, ये डिस्प्ले में जो पिन दिखा रहा है, इधर का जो पिन जब उठ जाता है तब कैसे इसको रिपेयर किया जाए, इसी के बारे में आज दिखाएंगे। देखिए मेरे हाथ में एक डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में दो साइड पे पिन ठीक ठाक है, ये सही एक नया डिस्प्ले है, इस पर कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मोबाइल पे जब इसी सेम वर्सन का डिस्प्ले मैच होता है लेकिन जो नीचे का जो पत्ता है वो मैच नहीं होता है, तब डिस्प्ले सर्किट बोर्ड में फिट तो हो जाता है लेकिन ठीक से फिट नहीं होता है, डिस्प्ले साइड हो जाता है। उससे जब हम मोबाइल को पूरा पूरी फिट करते हैं तब मोबाइल फिट नहीं होता है, तब इसके लिए मैं आज एक उपाय लेकर आया हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। मैं और भी डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ, उस डिस्प्ले का कंडीशन आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास दो डिस्प्ले और है, देखिए इस डिस्प्ले में जो पिन है देखिए इधर से उठ चुका है। तो ये डिस्प्ले आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो कई बार बाज़ार में नहीं मिलते ये सब डिस्प्ले, तो कैसे ठीक किया जाए डिस्प्ले, उसी के बारे में आज पूरा दिखाएंगे हम। देखिए वो डिस्प्ले जो है इसका दूसरा साइड में भी पिन है, ठीक है, उधर से हम लोग जंपर करेंगे, ऐसे ऐसे करके जितने भी पिन है सबके साथ जंपर करके सीधा मदरबोर्ड के साथ अटैच कर देंगे। तो उससे क्या होगा, मदरबोर्ड में अटैच करने पर हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो वो जो पत्ता है, पत्ता का जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है उसके ठीक ऊपर में थोड़ा थोड़ा और भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर थोड़ा जगह है, आप उधर ऐसे करके जंपर कर दीजिए, ठीक है। जंपर देखिए यह 44 पिन का जंपर किया है मैंने, देखिए मेरा जंपर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसको जो अंत में जो बाकी है उसको मैं अटैच कर रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा, अगर सेटिंग होता है तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकती है, बहुत सावधानी से कीजिएगा, ऐसा काम बहुत ही रिस्की होता है। देखिए मेरा जो जंपर आप देख रहे हैं अभी वो 44 पिन का जंपर है, बहुत ही मुश्किल काम है ये काम करना, बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया था। देखिए जंपर सही सही है, देखिए ऐसे जंपर करना पड़ेगा आपको, आपको ध्यान से करना पड़ेगा, अगर शॉर्टिंग हुआ है तो आपको शॉर्टिंग निकालना है, नहीं तो आपका डिस्प्ले जो है डैमेज हो सकता है या फिर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए जंपर को आप भी ऐसे कीजिए, अब भी ऐसे अगर कम करेंगे तो आपको अगर नहीं मिलता है डिस्प्ले तो एक काम करके आप भी काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए उसके बाद और एक ज़रूरी बात, जब वहाँ पर जंपर करने के बाद आप उसको ब्लैक टेप से ढक दीजिए, क्योंकि वह शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए,
वो दूसरे पता का जो पिन है उसके साथ नीचे वाला मदरबोर्ड का पिन सेटिंग नहीं होना चाहिए, उसको सेपरेट रहने दीजिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ब्लैक टेप यूज़ किया है। आप किसी भी टेप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बैटरी लगा कर चेक करके देखता हूँ क्या दिखाता है, मोबाइल का डिस्प्ले सही लगा है या नहीं। इससे क्या सुविधा होता है कि अब जब मोबाइल को फिट करते हैं, आप किसी भी प्रकार में फिट कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो जम्पर है वो बहुत ही लंबा है तो आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। देखिए मोबाइल तो ऑन हो गया है, अब देखिए मैं डिस्प्ले, देखिए ग्राफिक्स चलाया है, लाइट भी चलाया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अच्छी तरह दिखा रहा है, देखिए सब कुछ सही है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्ले में, बिल्कुल सही डिस्प्ले है। देखिए स्विच बटन टिप रहा हूँ मैंने, और देखिए बटन का कम भी ठीक से दिखा रहा है डिस्प्ले पे। यहाँ पर टच नहीं है, नहीं तो मैंने आपको टच करके दिखाता, लेकिन टच अभी मैंने लगाया नहीं डिस्प्ले पर, देखिए। तो दोस्तों ऐसे काम कीजिए, और मेरा इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और एक शेयर तो कीजिए ही, और एक कमेंट भी कीजिए। एक कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलिए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप अगर कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले किसी वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।